हैदराबाद में साबिक नायब यूसी नाजिम जलीलुर रहमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। आपको अपडेट करेंगे इस अफसोसनाक वाकये से। हैदराबाद में साबिक नायब यूसी नाजिम जलीलुर रहमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। हैदराबाद के साबिक नायब यूसी नाजिम जलीलुर रहमान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ये बताइएगा फरहान, इनके बारे में जानना चाहेंगे, जलीलुर रहमान कैसी शख्सियत थी इनकी और क्या क्या खिदमात थी इनकी? जलीलुर रहमान का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रहा है और वो इस इलाके के ज्वाइंट इंचार्ज भी थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, यूसी नाजिम के अलावा। हमारे साथ रहेगा फरहान इस वक्त, हमें ज्वाइन किया एमकेएम के रहनुमा वासे जलील साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वासे साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वासे साहब, एक अफसोसनाक वाकया और नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई जिसमें साबिक नायब यूसी नाजिम जलीलुर रहमान साहब जहां पर ना हो सके, अब उनका इंतकाल हो गया है। बताइएगा कैसी शख्सियत थी जलीलुर रहमान साहब जिन्हें आज फायरिंग करके कत्ल किया गया है? अफसोसनाक वाकया है ये। जी ये बहुत अफसोसनाक वाकया है और यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी और बिलखसूस कायद तारिक अल्ताफ भाई की जानिब से भरपूर अंदाज में इस वाकये की हम मजम्मत करते हैं और यकीनन ये अफसोसनाक वाकया है और बहुत अच्छे हमारे पुराने सीनियर तहरीकी साथी थे और इस वक्त मौजूदा ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज भी थे सेक्टर बी के, और इस वक्त जो है तमाम साथी भी जो है इस वक्त हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और तमाम मालूमात जो है वो इकट्ठा की जा रही हैं। चूंकि अब से चंद मिनट पहले ही ये वाकया हुआ है तो इसकी तमाम तक तफसीलात जैसे आएंगी तो यकीनन मीडिया के जरिए तमाम मीडिया के दोस्तों को जो है वो यकीनन आगाह कर दिया जाएगा और उसकी भरपूर अंदाज में इसकी हम मजम्मत करते हैं और इसकी तहकीकात का मुतालबा भी करते हैं और हम सीएम सिंध और इसी तरह से जो वजारत दाखिला है और तमाम लोगों से जो है वो भरपूर दरख्वास्त भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि इनके बारे में भरपूर जो मालूमात की जाए क्योंकि ये हमारे बहुत पुराने और सीनियर तहरीकी साथी थे और इनका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड था और बिलखसूस जो बल्दियात के दौर में भी इनका जो अपना एक रोल रहा है वो अपने इलाके में एक बहुत अच्छा किरदार जो है वो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा किरदार इनका रहा है। ये भी जानना चाहेंगे वासे जलील साहब, इन्होंने सिटी नाजिम के तौर पर भी हैदराबाद के वहां पर कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारियां निभाई हैं। जी ये यूसी के जो सिटी तालका कहलाता है वहां के ये नायब यूसी नाजिम थे और एक दौर में ये इन्होंने कुछ वक्त के लिए जो है वो एज एक्टिंग यूसी नाजिम भी जो है उन्होंने दौर गुजारा है और यकीनन इनका काबिल सताइश जो है वो दौर रहा है और वहां के रहने वाले लोग भी जो है इनको अच्छी तरह से जानते थे और कदर की निगाह से देखते थे और हम ये समझते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा तहरीकी साथी जो है वो हमसे जुदा हो गया है और जिन लोगों ने भी जो है ये वाकया किया है तो अरबाब इख्तियार से भी हमारा ये मुतालबा है कि भरपूर अंदाज में इसकी तहकीकत की जाए और उन कातिलों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचा जाए और कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाए। जी बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब, एमकेएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।